हेलो एवरीवन, माय सेल्फ ऋतिक एंड वेलकम टू आवर चैनल लॉलस्ट। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा हमने सीआरपीसी की लैंडमार्क जजमेंट की एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें लास्ट टाइम हमने कवर किया था ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो चलिए सबसे पहले इस केस के फैक्ट्स को समझते हैं। इस केस में होता क्या है, जो यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया है ये सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करती है थ्रू द रिट ऑफ मैंडमस, ताकि जितनी भी स्टेट्स हैं और यूनियन ऑफ इंडिया है इसे डायरेक्ट किया जा सके कि जब भी कोई फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या एफआईआर रजिस्टर्ड होती है तो उसे पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड किया जाए विद इन 24 आवर्स। और यही इस केस का मेन इशू था। इसमें कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हैं, आइए उन्हें के करके पढ़ते हैं। पहले तो इसमें कोर्ट कहती है कि जब भी कोई फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर्ड होती है ना, तो एक्यूज जो है उसे उसकी कॉपी मिलनी चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल एंड विदाउट एनी डिले, जैसे कि मेंशन है सेक्शन 207 ऑफ सीआरपीसी में। उसके बाद इसमें कोर्ट कहती है कि अगर कोई एक्यूज है उसे सस्पिशन है कि उसे किसी क्रिमिनल मैटर में खींचा जा रहा है, तो एक एप्लीकेशन मूव कर सकता है थ्रू हिज रिप्रेजेंटेटिव, जो कंसर्न पुलिस ऑफिसर है उसे या एसपी को, जिसमें उसे 24 आवर्स के अंदर उसे ना उसकी कॉपी मिलेगी। और हालांकि अगर आप फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे तो इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन सेकंड पॉइंट में जब आप एप्लीकेशन मूव करते हैं तब आपको 24 घंटे के अंदर ही आपको उसकी कॉपी मिल जाएगी। थर्ड पॉइंट कहता है कि जो एफआईआर है ना, उसकी कॉपी जो है वो पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी विद इन 24 आवर्स। लेकिन अगर कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस हो जाते हैं, जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी, तो उन केसेस में टाइम लिमिट बढ़ा दी जाती है और वो 48 आवर्स तक पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं वो वेबसाइट पर एफआईआर की कॉपी अपलोड कर सकते हैं। और सर्कमस्टांसिस जैसे कि इंटरनेट कनेक्टिविटी ड्यू टू ज्योग्राफिकल लोकेशन, उन केसेस में जो टाइम लिमिट है वो 72 आवर्स तक भी जा सकती है। लेकिन ना, ये जो पॉइंट है ये कुछ केसेस में एप्लीकेबल नहीं है, जैसे ऑफेंस रिलेटेड टू पोक्सो टेररिज्म, क्योंकि यहाँ पे ये सेंसिटिव मैटर्स है, तो इन केसेस में पुलिस अवॉइड भी कर सकती है इसे पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड करने के लिए। इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो कोर्ट ने हेल्प किया है वो ये है कि अगर कोई डिसीजन लिया जाता है कि एफआईआर को पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया जाएगा, तो ये डीएसपी रैंक का जो पुलिस ऑफिसर है वही ले सकता है या उसके इक्विवेलेंट में कोई ऑफिसर है वो ले सकता है, और इससे नीचे का जो ऑफिसर है वो ये डिसीजन नहीं ले सकता है। और जब भी ये डिसीजन लिया जाएगा तो उस एरिया का जो मैजिस्ट्रेट है उसे ये डिसीजन कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। अब इसके फिफ्थ पॉइंट को पढ़ते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई कॉपी है वो एक्यूज को नहीं प्रोवाइड की जाती क्योंकि जो मैटर है वो सेंसिटिव है, तो इन केसेस में जो है वो पर्सन अपनी आइडेंटिटी रिवील करके वो एसपी को अप्रोच कर सकता है, जिसमें एसपी जो है वो 3 ऑफिसर्स की एक कमेटी फॉर्म करेगा, और जो 3 ऑफिसर्स की एक कमेटी फॉर्म होगी ना, वो 3 दिन में उसकी इस ग्रीवेंस को रिड्रेस करेंगे और जो भी इसमें सोल्यूशन होगा वो उसे बताएंगे, कम्युनिकेट करेंगे। और इसमें लास्ट पॉइंट में कहा गया कि जब ये डिसीजन लिया जाएगा कि एफआईआर की कॉपी सेंसिटिव नेचर होने की वजह से आपको नहीं दी जा रही है, तो उस केसेस में जो एक्यूज्ड है वो एक एप्लीकेशन मूव कर सकता है मैजिस्ट्रेट को, क्योंकि एफआईआर की जो कॉपी है वो मैजिस्ट्रेट को भी सेंड की जाती है, तो इसमें इन केसेस में मैजिस्ट्रेट से आप वो कॉपी ले सकते हैं और मैजिस्ट्रेट जो आपको वो कॉपी दे देगा, और इसमें 3 दिन के अंदर वो आपको कॉपी दी जानी चाहिए। यही मेन ऑब्जर्वेशन थी इस केस की। और इसी तरह आप हमारी इस लैंडमार्क जजमेंट की सीरीज़ को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।